हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। सो गाइस, सीटेट तो यू नो वेल बहुत पास है, तो सीटेट की तो क्या बात करें, बस बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर सीटेट एग्जाम। अब जो यूपी में निकला है भाई शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है सुपर टेट, वाओ व्हाट अ नेम। तो ये सुपर टेट के लिए एक बहुत सुपर सा टॉपिक है जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। ये टॉपिक रिलेटेड है विश्व के महाद्वीप, महासागर, विश्व के पर्वत और विश्व की कुछ पर्टिकुलर संधियां। मतलब एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक मैं कहूँगी। ज्योग्राफी जहाँ भी आनी है, आपके यूपी टेट का जो शिक्षक भर्ती है स्पेशल बच्चों उसमें टॉपिक डाला हुआ है। और ये टॉपिक एसिड के ईवीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एक एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट मी स्टार्ट। ये मैंने सिंपल सा, जस्ट आई एम नॉट ए आर्टिस्ट बट मैंने ट्राई किया है भाई, ये हमने वर्ल्ड का मैप ड्रा किया है। ठीक है, ये हमने क्या ड्रा किया है, वर्ल्ड का छोटा सा मैप जो है ड्रा किया। आपको पता हमारी पृथ्वी गोल है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये बोर्ड तो अपना फ्लैट है बट ये बोर्ड है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे अर्थ है, तो उसको मैंने ड्रा करने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम करते हैं भाई विश्व के महासागर। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं विश्व के महासागर। तो विश्व में कितने महासागर है भाई, पांच। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पुराने देखते रहते हैं कि विश्व में चार महासागर हैं, लेकिन आप विश्व में कितने महासागर हैं बच्चों, पांच। तो सबसे पहले हम अपने इंडिया से क्यों ना शुरू करें भाई। यू नो वेल, देखो ये जो नीचे है ना ये इंडिया है, ये जो नीचे है ये क्या है भाई, इंडिया। देखो ये शेप दिख रही है ना, ये वर्ल्ड के अंदर अपना भारत है बेचारा, छोटा सा भारत। तो भारत के नीचे आपको पता है जो ओशियन है वो है हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, भारत के नीचे जो ओशियन है वो है बच्चे हिंद महासागर। भारत के नीचे कौन सा है, हिंद महासागर। अब ये जो बीच में ये जो जगह है देखो वर्ल्ड, दिस वन, यहां पर अंग्रेजी के अक्षर एस, एस की शेप में बना हुआ है भाई। और ये एस की शेप में जो बना हुआ है वो है अंटार्कटिका, सॉरी वो है अटलांटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो एस की शेप में जो महासागर बना हुआ है उसका नाम है अटलांटिक। ठीक है, तो इट्स अटलांटिक महासागर, ये एस की शेप में जो बना हुआ है। अब आपको पता है इसको हम उत्तर बोलते हैं, इसको हम दक्षिण बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको हम उत्तर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। तो इसका जो नॉर्थ पार्ट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है विश्व का सबसे वयस्तम, वयस्तम मींस बिजीएस्ट, विश्व का सबसे वयस्तम, सबसे बिजीएस्ट यदि हम कहें महासागर कौन सा है भाई, अटलांटिक। ज्यादा डिफाइन कर दे कि उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक, तो आपका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक विश्व का सबसे वयस्तम महासागर है। क्यों भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा जहाज वगैरह चलते रहते हैं, व्यापार लगा लो कुछ भी लगा लो। तो विश्व का सबसे बिजिएस्ट जो महासागर है बच्चों वो है अटलांटिक महासागर। अब ये इधर अपना जो महासागर है ये है अपना प्रशांत महासागर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत। अब देखिए अर्थ गोल है तो ध्यान रखना इधर भी प्रशांत है और इधर भी प्रशांत है। ठीक है ना भाई, क्योंकि अर्थ तो ऐसे है, बोर्ड ऐसे है, अर्थ ऐसे है, तो इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, अब नंबर वन प्रशांत, नंबर टू अटलांटिक, हिंद महासागर, चौथा जो महासागर है बच्चों वो है आर्कटिक। ठीक है, चौथा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। तो अब बच्चे यहीं तक करते हैं, इन चार तक, लेकिन पांचवा जो अपना ओशियन है वो है साउथर्न ओशियन, मींस दक्षिणी जो है महासागर, जिसको हम साउथर्न ओशियन कहते हैं। तो ये पांचवा महासागर है भाई, जो दक्षिणी पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर भी जल है काफी सारा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साउथर्न ओशियन। तो देखो ओशियन कितने हो गए भाई, पांच।
तो एक छोटी सी ट्रिक है ओशियन को लर्न करने के लिए, ट्रिक है पैसा पैसा, पैसे का जमाना है ना भाई, पैसा पैसा करती है, तो ट्रिक है पैसा। पैसे से आपको क्या याद हो जाएंगे, अपने महासागर ओशियन, पी से है पैसिफिक, ए से है अटलांटिक, आई से है इंडियन अपना हिंद महासागर, एस से है साउथर्न और लास्ट ए से है आर्कटिक। ठीक है, तो पैसा ट्रिक ने आपको याद करवा दी भाई, पैसा समुद्र, समुद्रों में बहुत सारी कहते हैं ना खाने होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, तो समुद्रों में बहुत सारा पैसा निकलता है भाई, तो महासागर याद हो गया आपको किससे, पैसा से। ठीक है, अब यहाँ पर इनका रैंक भी देख लीजिए, सबसे बड़ा महासागर विश्व में, सबसे बड़ा महासागर है कौन सा बच्चों, प्रशांत महासागर, विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, चेंज करेंगे बहुत जल्दी जब प्रोफेशनली आएंगे भाई यूट्यूब पे। अब देखिए इसके फायर रिंग्स हैं, जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर फायर रिंग्स हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं अग्नि वलय। ठीक है भाई, तो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द फायर रिंग्स हैं जिनको हम बोलते हैं अग्नि वलय। तो होता क्या है, फायर रिंग्स की वजह से भूकंप, ज्वालामुखी, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रशांत महासागर में आती रहती हैं, भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह, तो सब कहाँ आते हैं भाई, प्रशांत महासागर में। और आपको पता है यहाँ स्थित है अपना जापान, यहाँ पर क्या स्थित है, जापान, इसीलिए जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है, याद रखना भाई, भूकंप का देश, तो भूकंपों का जो देश कहा जाता है, भूकंप का देश, वो हम किसको बोलते हैं, प्रशांत महासागर को बोलते हैं हम, क्या, भूकंपों का देश बोलते हैं प्रशांत महासागर को। तो ध्यान रखना, अग्नि वलय पाए जाते हैं, फायर विंग्स प्रशांत महासागर में, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और एक और क्वेश्चन याद रखना, विश्व का सबसे गहरा गर्त, गर्त मीन्स खाई, ट्रेंच बोलते हैं इंग्लिश में, TRENCH, तो विश्व की सबसे गहरी खाई, सबसे बड़ा ट्रेंच जो है वो भी बच्चों कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। ठीक है, 11,000 समथिंग कुछ इसकी डेप्थ है, तो मरियाना गर्त सबसे डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व में सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए भी, ध्यान रखना सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फायर रिंग्स अग्नि वलय पाए जाते हैं प्रशांत महासागर, जापान इधर स्थित है तो भूकंप का इफेक्ट जापान भी जाता है, तो भूकंपों का देश जापान। ठीक है, और सबसे गहरी ग्रंथ मोरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर के अंदर। क्लियर, तो विश्व का पहला बड़ा कौन सा हो गया भाई, प्रशांत। दूसरा जो है, सेकेंड जो बड़ा है वो है अटलांटिक। दूसरा बड़ा कौन सा भाई, अटलांटिक, दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक, और बिजिएस्ट ओशियन है अंग्रेजी के एस आकार के जैसा है। 3 क्वेश्चन से याद रखना। तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ठीक है, जो अपना इंडिया वाला है, इंडिया के नीचे हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है, और चौथा जो महासागर है वो है अपना आर्कटिक, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, आर्कटिक चौथा है, और पांचवा कौन सा है, साउथर्न ओशियन। क्लियर, आई थिंक आपको महासागर क्लियर हो गए होंगे, 5 है, पैसा की ट्रिक से याद रखना, रिलेट इनको रख करके आगे चलते हैं। क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनको रख करके चलेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। अब आते हैं महाद्वीप के ऊपर, महासागर याद हो गए 5, अब हम आते हैं महाद्वीप के ऊपर। ठीक है, अब महाद्वीप भारत में कितना, देश में मतलब पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं भाई, महाद्वीप हैं 7, कितने हैं 7, तो महाद्वीप हैं 7। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो दो आपस में इधर उधर पड़े हैं भाई, बिल्कुल इधर निकल गए दो, तो ये हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अरे देखिए सिंपल सा है याद करने का लॉजिक, इधर पड़े हैं मेरे साइड में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका
दक्षिणी अमेरिका, उत्तर बोलते हैं नॉर्थ, दक्षिण बोलते हैं साउथ, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब ये जो नीचे सा बेचारा अलग थलग सा है भाई नीचे, ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप। ये जो ऊपर है ये है अपना यूरोप महाद्वीप, ये अफ्रीका और इसके ऊपर भाई यूरोप, ऊपर ऊपर वाले लोग अमीर होते हैं, तो यूरोप महाद्वीप अमीर अमीर देश है, जो दुनिया के जितने इटली रोम वगैरह सब यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अफ्रीका बेचारा गरीब गरीब देश है, बेशक सोने की खाने निकली है भाई अफ्रीका में, बट ये गरीब देश माना जाता है। और ये है भाई अपना एशिया महाद्वीप, जिसके अंदर हम आते हैं, हम इंडियन, इंडियन किस महाद्वीप में आते हैं भाई, एशिया महाद्वीप में आता है अपना भारत, ठीक है। और ये है अंटार्कटिका, ठीक है भाई, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई, ये कौन सा है अपना ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है अंटार्कटिका। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंटार्कटिका ऊपर था आर्कटिक, जो महासागर है उसका नाम था आर्कटिक, वो ऊपर था भाई आर्कटिक, आर्कटिक छोटा होता ना, अंटार्कटिका बड़ा है, तो बड़ा तो महाद्वीप है और छोटा महाद्वीप महासागर है, महासागर उत्तरी ध्रुव पे है, महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पे है। अब ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पर पूरी बर्फ की चादर है, ठीक है, तो इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है भाई बर्फ की चादर है, इसलिए इसको हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो श्वेत महाद्वीप किसको कहते हैं, हम अंटार्कटिका को कहते हैं श्वेत महाद्वीप, क्योंकि इसमें बर्फ की चादर है। अब यहाँ देखिए आप जो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, रैंक देते हैं भाई, अब सबसे बड़ा कौन सा, शक्ल से देखिए सबसे बड़ा कौन सा, एशिया। बच्चों एक काम और करना, एक 2 रुपए का मैप आता है, आप एक बार अब मेरी वीडियो देख लो, मैं ट्राई कर रही हूँ आपको क्वेश्चन साथ साथ याद हो जाए, बट मैं क्या चाहती हूँ आप मैप ले आना, और यदि आप मैप लेके फिर बैठ के इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप ये मान के चले शिक्षक भर्ती के यूनिट नंबर 3 के अंदर यही टॉपिक है, आपका मोस्टली टॉपिक कवरेज हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको पक्के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बट हाँ मैप लेके बैठना कभी भी नहीं भूलोगे आप इस चैप्टर को, तो हो सके तो मैप के साथ करना। तो सबसे बड़ा दिख रहा है ना भाई, तो कौन सा महाद्वीप है ये, एशिया। ये इधर देखो दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। अब पांचवा ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पांचवा यूरोप मिलेगा, ठीक है, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। पांचवा जो महाद्वीप है, पांचवा बड़ा महाद्वीप है बच्चों अंटार्कटिका, ठीक है, यूरोप नहीं है, पांचवा बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। 6 नंबर पे जो महाद्वीप है वो है यूरोप, 6 पे कौन सा है, यूरोप। और 7th पे आपको पता है सबसे छोटा बेचारा दिख ही रहा है, सबसे छोटा 7th पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पांचवा पक्का याद रखना अंटार्कटिका, 6th यूरोप। यूरोप को कई बार ये भी पूछ लेते हैं दूसरा छोटा महाद्वीप, दूसरा छोटा महाद्वीप तो यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो हो गए भाई 7 महाद्वीप आपको याद। अब हम चलते हैं क्लियर है आपको, अब हम चलते हैं इनके पर्वत की तरफ, ठीक है भाई। अब हम किस तरफ चलते हैं, इनके पर्वत कि इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जो है बनी हुई हैं, कौन कौन से पर्वत कहां पर है। तो सबसे पहले भाई इधर से शुरू करते हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है रॉकी पर्वत, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है बच्चों
रॉकी पर्वत, रॉकी। दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वत है उसका नाम है एंडीज, ठीक है। अफ्रीका में जो पर्वत है उसका नाम है एटलस। यूरोप में तीन पर्वत हैं भाई, काकेशस, एल्पस और यूराल। काकेशस, एल्पस, यूराल। यूराल पर्वत का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला पर्वत है यूराल पर्वत, क्लियर। एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला पर्वत है बच्चों यूराल पर्वत, बहुत बार आता है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अब यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। यहां पर जो पर्वत है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो भाई हम कहेंगे ग्रेटली डिवाइड है, चलो याद तो बाद में करूंगी, पहले समझ लेते हैं। एशिया में यहां पर है पामीर का पठार, ठीक है, यहां पर है भाई पामीर का पठार। अब पामीर के पठार से पांच पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, पामीर के पठार से पांच पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, मतलब ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में हम याद करेंगे पांच पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मैं सीधा रफ करके लिख देती हूं। सबसे पहले है हिंदुकश, सुलेमान, कराकोरम, हिमालय और क्यूजुलन, ठीक है भाई। तो ये मैंने बना दिया लेकिन जगह नहीं थी, अदरवाइज तो ऐसे पामीर का पठार है ऐसे हम पर्वत निकालते, बट याद करवाने के लिए एशिया महाद्वीप में पांच पर्वत हैं हिंदुकश, सुलेमान, कराकोरम, क्यूजुलन और हिमालय। अब देखो हम इन पर्वतों को याद कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका वाली साइड, उत्तरी अमेरिका, यू नो अमेरिका भाई, उसका कौन था अपना पहले, अब तो लॉर्ड ट्रंप है, ओबामा, ओबामा इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ना। तो अमेरिका, अमेरिका तो बहुत ग्रेट है भाई, तो हम कैसे याद करेंगे, अमेरिका तो बड़ा ग्रेट है। तो रॉकी कहते हैं यार, रॉकी मेरा नाम, मतलब रॉकी आई एम द रॉक स्टार, तो अमेरिका के बंदे तो खुद को रॉक स्टार समझते हैं। तो अमेरिका में कौन सा पर्वत है भाई, रॉकी, क्योंकि हम तो रॉक स्टार हैं। अब यहां पर कौन सा पर्वत है भाई, एंडीज। देखो उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। अब एक बात कहो, मैं कहूँ भाई मैं ही खास हूँ, तो आप क्या कहोगे, मैडम हम कौन सा कम खास हैं? तो भाई रॉकी टू रॉक स्टार है, तो एंडी हम भी हैं, मतलब कम हम भी नहीं है, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं भाई एंडी, तो एंडीज, कम हम भी नहीं है भाई, तो एंडीज, ठीक है। यहाँ पर रॉकी, यहाँ पर एंडीज। अब यहाँ पर है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में जो पर्वत है उसका नाम है भाई एटलस। अब देखो एटलस अफ्रीका गरीब महाद्वीप है, और बेचारे एटलस साइकिल चला रहे हैं आज के टाइम भी, एटलस साइकिल है, गरीब है भाई एटलस साइकिल चला रहे हैं। वैसे तो आजकल साइकिल चलाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है भाई, अमीर अमीर लोग चलाते हैं, बट हमें तो याद करने से मतलब एटलस साइकिल चला रहे हैं अफ्रीका वाले। यूरोप, यूराल और एल्पस, एल्पस ऐसे आप कहेंगे भाई यूरोप तो अमीर देश है, कैंपस है बड़े बड़े, एल्पस कैंपस है बड़े बड़े, और काकेशस, क्लियर। अब ये अपना भाई एशिया, एशिया महाद्वीप में खड़ा हिमालय बता रहा है, बचपन से हमें याद है भाई हिमालय तो सबको याद है, हिमालय याद हो गया तो आपको पता है हिमालय सबसे ऊंची चोटी, दूसरी कराकोरम श्रेणियां फेमस है, तो हिमालय के साथ कौन हो गया, कराकोरम, सुलेमान, सुलेमान सुल्तान कैसे भी याद कर लो, सलमान खान सुल्तान एशिया में है भाई, तो सुलेमान। हिंदू, हम तो हिंदू है ही, ठीक है, तो हिंदुकश और क्यूजुलन, वही लोग हमसे क्यों जल रहे हैं, ठीक है, हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, सुलेमान पूरे सुल्तान है, हिमालय हमारा पर्वत है ही, कराकोरम हिमालय के साथ होता है, क्यूजुलन क्यों जल रहे हो भाई तुम इंडिया वालों से, ठीक है, कहते ना इंडिया वाले भाई हम है ग्रेट भाई, तो ऐसे याद करना भाई ये पांचों पर्वत एशिया महाद्वीप के, और ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ऐसे याद करेंगे भाई डिवाइड हुआ बड़ा है ऑस्ट्रेलिया तो, अलग हुआ बड़ा है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है भाई, ऑस्ट्रेलिया में। सो
I have little tried. I think it's the first video of geography from my side. तो बच्चों ये वीडियो नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ज्योग्राफी, ईवीएस में ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ज्योग्राफी में क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में, हर जगह ये क्वेश्चन जरूर आएगा. तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो. देखो प्लीज लास्ट में एक बात तो कहूँगी, मैं दिल से आपके लिए एफर्ट कर रही हूँ. आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर. मैं तो अपने ऑफलाइन बैचेस को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, छोटी सी अकेडमी में सारा दिन अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ. पर आपके लवली लवली कमेंट्स रियली बता रही हूँ बच्चों, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि उन कमेंट्स को देख के मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का टाइम ले लेती हूँ. रियली जो टाइम मुझे उनको देना होता है मैं टाइम आप लोगों को देती हूँ, मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ. तो आपको थोड़ा सा राइट तो बनता है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. और हाँ भाई, आज मैंने लाइव भी आपने देखा था, लाइव आना बहुत ईजी सा है. तो अब मैं ट्राई करती हूँ, फिक्स टाइम बनाती हूँ, हर रोज़ लाइव आऊँगी. आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज जो है हम डेली किया करेंगे लाइव आपके. सो यू नो शिक्षक भर्ती का पेपर है भाई, लगे रहें. नोट्स पैकेज मेरे पास अवेलेबल है, यदि किसी बच्चे को किसी एग्जाम के लिए भी सीटेट एसटेट केवीएस किसी भी एग्जाम के लिए शिक्षक भर्ती नोट्स यदि चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. ठीक है, मेरा नंबर बहुत सारी वीडियोज में गिवन है, कॉन्टैक्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. सो हैव ए नाइस डे. बाय बाय. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.